दोस्तों दांतों के विषय में पूरी दुनिया में कुछ ना कुछ नया करने के लिए वैज्ञानिक कुछ नई नई खोज करते रहते हैं। अक्सर इसके विषय में सभी देश विदेश के डॉक्टर मिलते रहते हैं और आपस में कॉन्फ्रेंस करते हैं कि क्या कुछ नया वो करने वाले हैं या उन्होंने कुछ नई खोज की है। अपनी जो जानकारी होती है, जो उन्होंने दांतों के विषय में खोज की है, कुछ नया पता लगाया है, आपस में शेयर करते हैं और फिर शेयर करके एक राय बनाते हैं जिसके आधार पर मेडिकल साइंस में नया नया उपाय आते हैं और आपके जो ट्रीटमेंट है उसमें कुछ नयापन आता है और नए तरीके से आपका जो दिक्कत है, परेशानी है, अच्छी तरीके से हो पाता है। तो दोस्तों इसी क्रम में बीते साल 2019 में 28 अगस्त को सुबह 7:30 बजे एक डेंटल कॉन्फ्रेंस हुई और ये कॉन्फ्रेंस KGMU यानी किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में हुई थी। मैंने KGMU के विषय में पहले भी एक दो वीडियो बनाई हुई, आप उसके विषय में देख सकते हैं। बहुत बढ़िया मेडिकल यूनिवर्सिटी है जहां पर बहुत अच्छा इलाज होता है। तो दोस्तों इस कॉन्फ्रेंस में देश के विभिन्न डेंटल कॉलेज के 300 स्टूडेंट ने अपने रिसर्च पेपर व पोस्टर प्रेजेंट किए। देखो दोस्तों किसी बात के विषय में सोचने का हर किसी का अलग अलग नजरिया होता है। नए जो स्टूडेंट आते हैं वो एक फ्रेशर तरीके से अपना जो मत है ना, अपनी जो जानकारी है वो पेश करते हैं। जो फाइनल रिजल्ट निकालते हैं ना कि भाई सबकी राय लेकर फिर एक फाइनल राय बनाई जाती है, तो उस राय के अनुसार चोट लगने या सड़न से खराब हो चुके दांत में भी जान आ सकती है, ये उन्होंने कहा। और ये संभव होगा स्टेम सेल थेरेपी से। स्टेम सेल थेरेपी के विषय में मैंने पहले भी वीडियो बना रखी है और उससे संबंधित और भी कई वीडियो आने वाली है जिसमें ट्रीटमेंट स्टेम सेल थेरेपी के द्वारा ही किया गया। तो स्टेम सेल थेरेपी से जब आप ट्रीटमेंट कराते हैं तो दांत नए की तरह ताकतवर और मजबूत हो जाएंगे। तो इस कॉन्फ्रेंस में अगले दिन यानी कि दूसरे दिन बड़े बड़े डॉक्टरों ने अपने विचार पेश किए। तो इसी क्रम में किंग जॉर्ज चिकित्सा विद्यालय यानी कि KGMU के डॉक्टर अनिल चंद्रा ने बताया कि भारतीय विश्वविज्ञान अनुसंधान के साथ सोच चल रहा है, इसके परिणाम काफी उत्साहवर्धक है, बहुत बेहतरीन है। डॉक्टर चंद्रा ने बताया कि चोट लगने या कैविटी के चलते दांत डैमेज हो जाते हैं। आपने भी देखा होगा जब किसी को चोट वोट लगती है तो दांत क्रैक हो जाता है और उसमें दिक्कतें शुरू हो जाती है। मैंने इसके विषय में भी वीडियो में बताया हुआ है कि टूटे हुए क्रैक दांत से क्या क्या दिक्कतें होती है, आप वाली वीडियो देख सकते हैं। तो उन्होंने बताया कि चोट लगने या कैविटी के चलते, भाई कैविटी भी जब आपके दांतों में गड्ढा हो गया, शुरुआत में तो हल्का फुल्का रहता है, हम इग्नोर करते रहते हैं, तो उस हल्के फुल्के में खाना फंसता है। जब हम खाना खाते हैं ना तो उसके अंदर घुस जाता है पूरे प्रेशर, जब खाने दांत चबाते हैं तो प्रेशर से वो खाना उसके अंदर छिप जाता है या फंस जाता है, जो निकालना बड़ा मुश्किल होता है। फिर वो वहां पर सड़ने लगता है और सड़ते सड़ते दांतों को गलाना शुरू कर देता है और कैविटी बनती जाती है और वो गहरी से गहरी होती जाती है और एक समय आता है कि वो बहुत दर्द करने लगता है, तो उसकी जो नसें होती है ना वो दर्द पकड़ते हैं और धीरे धीरे सड़ने लगती है, तो उस कारण भी दांत डैड हो जाता है। परंतु मृत हो चुकी नसें इस इलाज के द्वारा जीवित की जा सकती है, यानी कि जो दांत आपका सड़ते सड़ते डेड पॉइंट तक पहुंच गया था और उसकी नसें सड़ गई थी और बेकार हो गई थी, इस ट्रीटमेंट के जरिए वो नसें पुनः जीवित की जा सकती हैं, ठीक की जा सकती है और बिल्कुल डेड हो चुके दांत में जान डाली जा सकती है। IRTR के साथ इस शोध में और भी का प्रयास जारी है कि कुछ नया किया जा सके। शोध में यह भी देखा जा रहा है कि फाइब्रिन दांत की डेंटिन व हड्डी निर्माण में सही कार्य हो, उसमें कुछ अच्छा हो। वहीं दोस्तों इस कॉन्फ्रेंस में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के डॉक्टर सुरेंद्र मिश्रा जी ने भी अपने विचार रखे। उन्होंने बताया कि RCT यानी कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट में केमिकल नहीं लेजर उपयोग होती है और ये बहुत बढ़िया कामयाब होती है। RCT करने के लिए कैनाल की सफाई होती है और इसके लिए केमिकल का प्रयोग किया जाता है। भाई आपने किसी ने भी अगर RCT की होगी तो आपको पता होगा कि जब दांतों के अंदर जो ड्रिल मशीन चलाई जाती है ना, तो उसमें से जो गंदगी निकलती है उसे साफ करने के लिए केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि बैक्टीरिया को खत्म करता है, क्योंकि भाई दांत सड़ जाते हैं ना, नसों में दर्द रहता है तो उन नसों को खत्म किया जाता है। तो डॉक्टर ने कहा इसमें भी सुधार होना चाहिए और इसमें लेजर का इस्तेमाल होना चाहिए। वो कहते हैं कि लेजर का इस्तेमाल महज एक बार में ही ये काम किया जा सकता है, मतलब RCT जो की जाती है इसमें 3-4 बार हॉस्पिटल जाना पड़ता है और कुल मिला के 1 महीने का समय लग जाता है, क्योंकि मेरे जानकार दोस्त है उन्होंने RCT कराई थी
तो उन्हें इस कार्य में यानी कि आरसीटी में एक डेढ़ महीने का टाइम लगा। क्या होता था कि वो डॉक्टर वीकली बुलाता था, वीकली बुलाकर जैसे दांत का उसने किया, कुछ गड्ढा किया यानी कि साफ किया दांत को, कुछ साफ किया उसके अंदर मसाला भरकर ऊपर से कैप करके बोल दे कि भाई बाकी एरिया बाद में करेंगे। ये कार्य मतलब सावधानी के साथ किया जाता है, जल्दबाजी इसमें नहीं की जाती, तो 4-5 बार इसमें जाना ही पड़ता है, उसके बाद आपका यह रूट कैनाल का ट्रीटमेंट पूरा होता है। तो डॉक्टर कहते हैं कि इसमें अगर लेजर का इस्तेमाल किया जाए तो ये कार्य एक बार में भी हो सकता है, यानी कि 4-5 बार जाने का झंझट छूट जाएगा और एक बार में लेजर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कैविटी की सफाई हो जाएगी। और दोस्तों इसी कॉन्फ्रेंस में गाजियाबाद की डॉक्टर सोनाली तनेजा ने यह जानकारी दी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार चांदी की जगह सफेद रेजिन का प्रयोग होना चाहिए। दांतों में कैविटी भरने के लिए चांदी का प्रयोग किया जाता है, आपको भी पता होगा, मुझे पता है, जब भी आप किसी से पूछते होंगे ना दांतों में कैविटी रहती है कहते चांदी भरवा ले, क्योंकि ये धातु होती है और ये कठोर होती है और जल्दी से मतलब टूटती नहीं, जैसे आप दांतों में मसाला भरवाते हैं वो जल्दी निकल जाता है, पर दांतों के अंदर जो चांदी भरी जाती है वो काफी लंबे समय तक उपयोग होती है और बहुत साथ देती है। परंतु दोस्तों चांदी के अंदर मरकरी होती है, तो डॉक्टर तनेजा ने बताया कि चांदी में मरकरी होती है जो कि पर्यावरण के साथ सेहत के लिए भी हानिकारक है, इसके स्थान पर सफेद रेजिन का प्रयोग किया जा सकता है और ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं होगा। तो दोस्तों ये थी जानकारी जो कि चोट लगने या सड़न से खराब हो चुके दांत में नई जान डालने के लिए बहुत उपयोगी है। मतलब 2019 में ये हुई थी, अब इसका उपयोग करना शुरू कर दिया है और उन्होंने बहुत सी चीजों में बदलाव किया है, जैसे चांदी की जगह सफेद रेजिन भरा जाएगा और जैसे ड्रिल मशीन करके आरसीटी की जाती थी उसकी जगह अब लेजर से काम किया जाएगा और वो भी काम एक दिन में हो जाएगा, मतलब आपका पूरा महीना भर बच जाएगा और बहुत जल्दी आपको दांतों के दर्द से राहत मिल जाएगी। तो दोस्तों ये नई नई टेक्नोलॉजी है और इससे संबंधित मैं आपको वीडियो निरंतर लाता रहूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करते हुए कमेंट करना ना भूलें, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन पे कर दे ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो, और हमारी इन वीडियो के माध्यम से आपको दांत के विषय में बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है और इस जानकारी के आधार पर आपकी बहुत सारी समस्याओं का अंत हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी वो जानकारी जो मुझे लगा आपको बतानी चाहिए। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी है? अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करते हो, कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।